Body parts of a woman allegedly murdered by her husband recovered by the police from a canal in Siliguri. The husband allegedly murdered her after he got suspicious when the victim started taking classes for a beautician course. After he committed the crime, he and his father-in-law lodged a missing complaint with the police. The police later questioned him after they got suspicious, when he finally admitted to the crime after he suspected her of wrongdoing. He was then arrested. The body, which was cut in two, was finally recovered from the canal on Friday after an extensive two-day search. जैसे वो उसको ब्यूटी पार्लर पहुंचाने आया था, जब वो ब्यूटी पार्लर तो फोन में कांटेक्ट किया ही नहीं, क्योंकि पुलिस कांटेक्ट से वो डिटेल्स, उसका कॉल डिटेल्स निकाल लेगा, है ना। तो वो फोन में कांटेक्ट किया ही नहीं, कहता मैं जब बाइक में ला रहा था तब हम लोग का बात हुआ था कि मैं तुमको वहाँ महाबलिस्तान रेल गेट के में 3:30 बजे ठीक लेने आ जाऊँगा, आज हमें कहीं से सोना मिलने वाला है। हाँ, हमें कहीं से सोना मिलने वाला है, जाके वो सोना लाएंगे, एक जगह रखा हुआ है और लड़की को वही लालच देके लाया है इधर। हाँ, फांसी देवा में लेके आया, फांसी देवा में जो लेके आया है। उसका नानी का घर भी इधर ही कहीं है, लड़का का नानी का घर, तो इसका इधर ये सब जगह देखा हुआ था पहले से। और लड़का खुद ही बोला है कि मैं वो विधान मार्केट से चाकू आपको खरीदा हूँ, एक जोड़ा कपड़ा बोरा वोरा लाके पहले से रख दिया था यहाँ पे। हाँ, फांसी देवा। हाँ, अच्छा, तो इधर ही पहले से रख दिया था, ये वो पहले से ही प्लान करके रखा था। दूसरी बात, ये अपना बीबी को क्यों मारेगा? अब लोगों का सवाल ये हो सकता है ना, कि लड़की कुछ गलत हो सकती है। तो हमें जितना पता चला है, क्योंकि उसका बहन का हस्बैंड हूँ मैं, हमें जितना भी पता चला है ना, लड़की किसी के साथ कोई संपर्क में नहीं था, और लड़का था। बाद में पता चल रहा है कि लड़का का माटीगारा का एक लड़की के साथ चक्कर था, वो उसके साथ चैट करता था, उसके साथ बात। लेकिन उसका बीबी अगर ताक झाक करे कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं क्या, तो फिर बाद में वो खुद स्वीकार कर लिया कि लड़की को मैं ही मारा हूँ।